माखन सिंह जी कह रहे हैं कि किस तरह के आदमी है कमलनाथ जी की 26 से 27 सीट जीतने की कह रहे हैं। देखिए, मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में चुटकियाँ लूँ। मैंने 20 साल की राजनीति में कभी यह नहीं किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कमल के फूल के झंडे को का परचम को लहराना ये मेरा धर्म और दायित्व है। जनता की सेवा करना, विकास और प्रगति लाना ये मेरा धर्म और दायित्व है। कांग्रेस में जो अंदरूनी मामला है वो उनका विषय है, वो अपने आप उसको देखें। हम अपने घर को मजबूत करें। जहाँ तक जो टिप्पणी के बारे में आपने कहा है, अब जो अंदर हो रहा था वो खुलेआम सड़क पे और आप सब लोगों के सामने आ रहा है। इस मामले में कांग्रेस को क्या करना है, क्या उनकी स्थिति है, जनता के बीच में, राज्य में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, देश में नाकाम हो चुकी है। जो योजनाएं जनता के हित में हैं उनका विरोध करना ये कांग्रेस की अब परंपरा बन चुकी है। उनको शुभकामनाएं देता हूं। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जन कल्याण योजनाओं के साथ है, और नरेंद्र मोदी जी और नड्डा जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जो एक इतिहास रचा जा रहा है देश में और मोदी जी के द्वारा विश्व में भी, जनता पूर्ण रूप से विश्वास इस त्रिमूर्ति में रखती है। महाराज, एक एलिगेशन लगा है, एक नाम आया है जो आपके साथ जो मंत्री आए थे, विधायक आए थे, उनका काले धन में नाम आया है। कमलनाथ के जो लोग थे उनके द्वारा पैसा दिया गया, ब्लैक मनी का लेन देन है। इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग भी निगरानी बरते हुए हैं। मुझे इसकी सूचना नहीं है, पर जो अगर ऐसी बात है तो जो भी रिपोर्ट है उसके आधार पर पूर्ण रूप से कार्रवाई होगी। और दूध का दूध और पानी का पानी, पर मैंने जो सदैव कहा था कि कमलनाथ जी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, शायद उसी रिपोर्ट का आप संज्ञान में लेके उस पर टिप्पणी कर रहे हो। ये सबको मालूम था कि भ्रष्टाचारों का अड्डा कैसा वल्लभ भवन बन गया था। दिन सुबह से रात तक, सूर्योदय से सूर्य अस्त तक, और रात के अंधेरे में नहीं लेकिन दिन दिहाड़े जो एक भ्रष्टाचार की एक समुद्र वहां फैलाई गई थी, अब पूरी जनता के सामने ये स्पष्ट है। मारा, लेकिन कहा जा रहा है आपके लोगों का मोरल डाउन करने के लिए, कुछ लोग आपके दल के। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कोई मेरे नहीं है, कोई फलाने के नहीं है, कोई ढिमके के नहीं है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता हैं। कोई गुट नहीं है, कोई फैक्शन नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। कमल का फूल हमारा झंडा है। हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नड्डा साहब और अमित शाह जी हैं, और उनके नेतृत्व में, उनके शैली के आधार पर हम लोग उनके पदचिन्हों पर चलकर जन कल्याण के लिए लगे हुए हैं। थैंक यू।